हाय कुंदरू, तो स्नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम झटपट बनाएंगे आलू पनीर के नॉर्मल रेगुलर पराठे। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आलू को उबाल के उसका छिलका निकाल के और इसे मैश कर लेना है। ये आलू को हमने छील के अच्छी तरह मैश किया और उसके अंदर हमने मसाले डाले हैं। सेम प्रोसीजर अब हम पनीर में करेंगे। देखिए, पनीर में हमने जिस तरह आलू में डाला है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और नमक, ये सब डाल देते हैं। और साथ ही साथ हमने हरा धनिया कटा हुआ डाल देना है। जिस तरह से आलू का बैटर किया है, उसी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, पनीर की मिक्सिंग हो गई, इसमें आलू भी डाल देते हैं और दोनों को साथ में मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमने ये आटा लिया है प्लेन, हल्का सा इसमें नमक मिक्स कर दीजिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टफिंग में सब कुछ ऐड है। अभी आटे के अंदर स्टफिंग डाल के पूरी स्टफिंग डाल देनी है और इसे हमने मिक्स करके मलने के लिए लेना है। आराम से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, पहले मिक्स कर लेना है और फिर अपने हिसाब से आप तेल या देसी घी डाल के इसे अच्छी तरह मल लीजिए। क्या हमारा बहुत बढ़िया आटा रेडी हो गया है। अब हमने पराठे बनाने चालू कर देने हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बड़ा बनाना है, छोटा, बड़ा, मीडियम, इस तरह से हमने लिया है ये गोला। तो हम देखिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसे बेल लेना है फटाफट। आप जितना चाहो बड़ा बेल सकते हैं। बेलने के बाद इसमें हमने घी, देसी घी लिया, आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो, पसंद नहीं है तो। बस इस तरह फोल्ड करके थोड़ा सा आटा लगाना है इसे और फिर से इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। आपको जितना बड़ा चाहिए आप बेल सकते हैं। ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत फटाफट बन जाता है और ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। तो बस हम इसे इतने ही साइज का रखेंगे और हमने तवा ऑलरेडी गर्म होने को रख दिया है। हम इस पर डाल देते हैं बनने के लिए। इसी तरह से हम ये अभी जब तक ये सिक रहा है इसके गोले बना लेंगे। देखते हैं हम, ये एक तरफ से बिल्कुल सिक चुका है। अब हमने क्या करना है, इस तरफ हमारा घी लगा देना है इस तरह से और इसे हमने फिर से पलटी कर देना है सिकने के लिए, बिल्कुल अच्छी तरह सिकने देना है उसे। और इसी तरह हमने इस तरफ भी लगा देना है। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है पनीर का। देखिए क्या बहुत बढ़िया सिक्के हमारा ये पराठा बन गया है, बिल्कुल क्रिस्प एकदम। और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगेगा क्योंकि इसके अंदर पनीर है, आलू है और बहुत ही टेस्टी मसाले हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसी तरह हम और पराठे भी बना लेंगे। ये हमारे गर्मा गर्म आलू और पनीर के पराठे बन गए, बिल्कुल सिंपल, टेस्टी और हेल्दी, बच्चे से बड़े सब खा सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आपको दिखाते हैं, हम तोड़ के देखिए, बहुत सॉफ्ट है। आप इस पर अगर आपका घर का बना हुआ सफ़ेद मक्खन है डालिए तो और मज़ेदार हो जाएगा। बस इस तरह से दही के साथ लीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए। तो एक और हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है नया मल्होत्रा।